हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्या था हमारा। तो क्वेश्चन वॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स स्टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, और ये था हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू सेवन। इसने ये लिमिट बोल दी थी हमें सेवन है। देन वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो देखो, सबसे पहले जो मेरा लिमिटिंग वेरिएबल वो इन्फिनिटी को जा रहा है, और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि हमारा टेंडेंसी क्या होगा कि उसको जीरो की तरफ लेके आए, तो थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूशन किया, लेट एक्स इज इक्वल टू वन बाय टी। तो मुझे मेरा नया लिमिटिंग वेरिएबल वो कहां जाएगा, जीरो को जाएगा। अब हम सिक्स, तो मैं लिख लेता हूं लिमिट टी स्टैंडिंग टूवर्ड्स जीरो। ठीक है, फिर मैंने इस एक्सप्रेशन को लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस फोर एक्स हो गया फोर बाय टी, ये हो गया माइनस ए बाय टी प्लस बी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू सेवन। ओके चलो, अब हम क्या करते हैं, एक बार एलसीएम ले लेते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ, देखना बच्चों, वन माइनस फोर टी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर है, दैट इज विल बी टी माइनस ए बाय टी प्लस बी इक्वल्स टू सेवन। क्लियर है, चलो अब क्या किया, एलसीएम ले लिया। सो व्हेन यू विल टेक एलसीएम, इट विल बी अंडर रूट ऑफ वन माइनस फोर टी माइनस एक मिनट टी है, हाँ ठीक है, माइनस ए प्लस बी टी डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू सेवन। अब लगा रहे लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। तो अब देखो, अब टी टेंड्स टू जीरो पे देखो, ए की वैल्यू तो हम यहीं से बोल सकते हैं। द रीजन इज कैसे, लिमिट अगर टी टेंड्स टू जीरो है तो डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है, इसका मतलब अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देखो अगर न्यूमरेटर फाइनाइट आ गया तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज समथिंग फाइनाइट अपॉन जीरो टेंडिंग इज इन्फिनिटी, बट हमें दे रखा है लिमिट इज फाइनाइट, दैट इज इक्वल टू सेवन। तो मैं यहीं से बोल सकता हूं कि टी टेंड्स टू जीरो पे न्यूमरेटर को जीरो की तरफ जाना पड़ेगा। अब जीरो की तरफ कब जाएगा, जब ये तो वन हो रहा है, ये माइनस ए प्लस जीरो, तो वन माइनस ए शुड बी जीरो, तो इधर से ए आ गया हमारा वन। समझ में आया क्या लिखा मैं, मैंने बोला कि डिनोमिनेटर जीरो को जा रहा है और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ जाना चाहिए। दिस ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो क्या करो, पहले इसको फर्दर सॉल्व कर लो, आखिरी स्टेप में बोलो, मैं इधर ही कंक्लूड कर सकता हूं कि ए इज वन। क्लियर है, चलो अब फर्दर करते हैं इसको। तो मैं इसके लिए कम कर रहा, इसको रब कर रहा हूं। देखो फिर क्या किया था, बाइनोमियल एक्सपेंड किया, ये क्या लिखा है, वन प्लस एक्स की पावर एन, वेयर माई एक्स इज माइनस फोर्टीन, वो जीरो को जा रहा है और n का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, वन प्लस एन इंटू एक्स, एन हेयर इज वन बाय टू एंड एक्स हेयर इज माइनस फोर्टी। फिर और भी लिख लेते, एक आटा हुआ लिख लेते हैं, प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस फोर्टी का स्क्वायर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। अब इतना छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। ठीक है ना, रिक्वायर पड़ेगी तो वी विल राइट मोर टर्म्स। फिर माइनस ए, तो ये हो गया मेरा ये वाला ब्रैकेट, हाँ दिस इज माइनस ए प्लस बी टी होल डिवाइडेड बाय टी। अब सुनना, अब मैंने बोला डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, वन। अब हमने बोला कि जो लिमिट है वो फाइनाइट आ रही है एंड दैट इज इक्वल्स टू सेवन, तो ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, जो न्यूमरेटर है उसका डिग्री भी वन होना चाहिए। कॉन्स्टेंट इक्वल अपॉन इक्वल में क्या आता है हमारा, फाइनाइट आता है आंसर, नॉन जीरो फाइनाइट। तो इसका मतलब इसमें जो लोअर डिग्री टर्म्स है, मतलब कांस्टेंट टर्म है डिग्री वन से छोटे वाले, वो जीरो होना चाहिए। तो पहले इसको रीअरेंज करके लिख लिया, वन माइनस ए, एक तो ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है, फिर टी वाले लिखे प्लस टी टाइम्स, एक तो ये आ गया माइनस टू और इधर से प्लस बी, और प्लस टी स्क्वायर का कुछ तो कोफिशिएंट आएगा, वो लिखा नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय टी, दिस इज इक्वल टू सेवन, लिमिट टी टेंड्स जीरो पे, लिमिट टी टेंड्स टू जीरो। अब देखो मैंने क्या बोला, इसका डिग्री वन है तो न्यूमरेटर का डिग्री भी वन होना चाहिए फॉर नॉन जीरो फाइनाइट, तो इधर से मेरा क्या जाएगा, दिस शुड बी जीरो, तो ए इक्वल टू वन, ये तो हम पहले भी कंक्लूड कर चुके थे डायरेक्टली। ठीक है ना,
उसके बाद अब ये जीरो हो गया, अब मैंने बोला फाइनाइट आना चाहिए, तो फाइनाइट क्या होगा, टी के कोफिशियंट का रेशो, मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, और अगर ये नॉन जीरो हो गया तो ये टी वाला डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो ये सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फाइनली लिमिट क्या आया, माइनस बी प्लस टू, और दे क्या रखा है, सॉरी बी टू माइनस बी, सॉरी माइनस टू प्लस बी, और ये किसके बराबर दे रखा है, सेवन के बराबर, तो यहां से हमारी बी की वैल्यू आ गई नाइन। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, फॉर मेंस इट इज गुड क्वेश्चन। चलो अब हम नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, और ये दे रखा था इंफिनिटी जा रहा है, देन फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए, देन फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ स्मॉल ए। ठीक है, अच्छा तो पहले इसको एलसीएम लेके लिख लेते हैं प्रॉपरली। तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, अब सुनना, पहले मैंने अरेंज करके लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर का नेट कोफिशियंट कितना आया, एक ये और एक ये, वन माइनस ए, फिर माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है, एंड लास्टली प्लस वन माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप सुनना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है। अच्छा अब मैंने बोला अगर एक्स इंफिनिटी जा रहा है तो इंफिनिटी कब होता है, जब हमारा अगर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी होता है और बोल भी रहा है कि इसका लिमिट भी इंफिनिटी होना चाहिए, तो कब होता है वो, हायर अपॉन लोअर पे, जैसे मैंने बताया था हायर अपॉन लोअर पे, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है तो मेरा हायर अपॉन लोअर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स काइंड विच इज एक्स, और एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी पे कहा जाएगा ये इंफिनिटी को। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो न्यूमरेटर का डिग्री वन है, तो सॉरी डिनोमिनेटर का डिग्री वन है, इसका मतलब न्यूमरेटर का डिग्री क्या होना चाहिए, वन से ज्यादा होना चाहिए, वन से ज्यादा होना चाहिए। वन से ज्यादा कब होगा, व्हेन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर तो मेरा क्या हो जाएगा, डोमिनेटिंग क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो फाइनली दिस विल बी लेफ्ट आउट। बट इसमें भी हम ये नहीं लिखेंगे सिंपली कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, हमें इन्फिनिटी चाहिए, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो वन माइनस ए होना चाहिए दैट हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है ना, नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉट सफिशियंट, समझ में आया क्यों, अगर मैंने सिंपली ये लिखा ना वन माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो तो ठीक है इन्फिनिटी तो आएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी भी आ जाएगा। क्लियर है, केवल उसने इन्फिनिटी बोला, इसका मतलब क्या होना चाहिए, हमारा वन माइनस ए होना चाहिए, जो वन माइनस ए दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो इससे आया हमारा ए शुड बी लेस देन वन, दैट इज ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन ओपन। क्लियर हुआ बच्चों, तो यहां भी बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं ए नॉट इक्वल टू वन सफिशियंट, नहीं वो जब होता है जब इधर प्लस माइनस इन्फिनिटी होता। ठीक है, चलो तो अब हम एक होमवर्क एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो कि होमवर्क में नहीं दिया था बट इसी टाइप का है अपना, क्या बोलते हैं, वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट। ठीक है, तो लिख लेते हैं, द क्वेश्चन इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वीडियो पॉज करके तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस सेवन होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर फोर। उसने बोला ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए कॉमा बी एंड वैल्यू ऑफ लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक है, ये तीन चीज निकालनी है, तो पहले तुम्हारा काम क्या है, वीडियो पॉज करो और इसको एक बार खुद से करो, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा, और अगर कहीं नहीं आता है डाउट बीच में स्ट्रक करते हो देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले क्या किया, cos x हमें पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है फर्स्ट टारगेट, उसके लिए हमने साइन एक्स और कॉस एक्स का एक्सपेंशन यूज किया क्योंकि एक्स जीरो को जा रहा है, तो ए इंटू, अब कॉस एक्स का एक्सपेंशन वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल
प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। प्लस बी टाइम्स साइन एक्स का एक्स, बी साइन एक्स है कि बी एक्स साइन एक्स, लेट मी चेक इट आउट, इट इज बी एक्स साइन एक्स, ठीक है। इधर एक्स और है, इधर जस्ट राइट डाउन यार एक्स ऑल्सो, एक्स और इधर बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 6 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल 120 प्लस देखते हैं जरूरत जितना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। तो अगेन अब टर्म्स को पहले पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लिया, मतलब एक्स का कोफिशिएंट एक साथ लिखा, फिर एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का एंड सो ऑन। तो पहले तो कांस्टेंट पार्ट क्या आ रहा है, एक तो ए आ रहा है इधर से, और इधर से कुछ नहीं आ रहा है, इधर से 7, तो इधर तो बना हमारा ए माइनस 7 प्लस। अब देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है क्या, तो इधर तो नहीं आ रहा और इधर भी नहीं आ रहा, उधर भी नहीं, तो एक्स तो नहीं आएगा, फिर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर से आया माइनस ए बाय 2, माइनस ए बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2, और इधर से हमारा आया बी प्लस बी, और उधर है क्या, नहीं उधर नहीं है, फिर एक्स क्यूब इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, बिकॉज ये एक्स एक्स की पावर 4 बना देगा, ये खत्म। फिर अब एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट इधर से आया ए अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो इधर से आया ए अपॉन 4 फैक्टोरियल ए बाय 24, और इधर से मेरा एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट आएगा, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस बी बाय 6, देख लो एक बार, माइनस बी बाय 6, ठीक है, और यहां एक्स की पावर और 4 नहीं है। फिर आते हैं एक्स की पावर 6 पे, प्लस एक्स की पावर 6, इधर से आया मेरा माइनस ए बाय 6 फैक्टोरियल, माइनस ए बाय 6 फैक्टोरियल, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी लिख ले रहे हैं हम, बी बाय 120 प्लस बी बाय 120 एंड सो ऑन, इट विल गो, इट विल, ठीक है। अब देखो, अब मैंने लिखा नीचे एक्स की पावर 4, और क्या लिखा है मेरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और एक्स 0 को जा रहा है, डिनोमिनेटर का डिग्री मेरा 4 है, तो न्यूमरेटर का डिग्री क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 4 या 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं चलेगा, इसका मतलब जो 4 डिग्री से लोअर डिग्री वाले टर्म्स है न्यूमरेटर में, दैट हैज टू बी 0, उनका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो मेरा एक तो ये चीज 0 हो गई, तो उससे मेरा एक a माइनस 7 शुड बी इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ गया 7, a इज इक्वल टू 7, सिमिलरली दिस इज 0, क्योंकि अगर नॉन जीरो हो गया तो ये सब टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे एक्स की पावर 4, तो लोअर अपॉन हायर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, बट उसने दे रखा है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए ये भी 0 हो गया, तो इधर से मेरी बी की वैल्यू कितनी आई, ए बाय 2 है ना, ए बी माइनस ए बाय 2 0, बी इज इक्वल टू ए बाय 2, और बी इज इक्वल टू ए बाय 2 मतलब, और ये हमारा इधर आ गया, बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 बाय 2, क्लियर है। फिर आते हैं एक्स की पावर 4। अब देखो इसमें क्या था, देखो मैंने इधर इधर ये टर्म इसलिए लिखा था, रीजन इज एक चीज कि ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारी ए और बी की जो इधर वैल्यूज आए, सुनना ध्यान से, इधर जो ए और बी की वैल्यूज आए उसके लिए ये चीज जीरो हो जाए, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। देखो नॉन जीरो हो गई तब तो ये नेग्लेक्ट हो गया, सुनना ध्यान से, और अगर ये चीज जीरो हो गई तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा, देखेंगे लेकिन फिर आंसर हमारा डायरेक्टली बोल देंगे एक्स की पावर 6 और एक्स की पावर 4 है, हायर अपॉन लोअर एक्स टेंड्स टू 0 पे आंसर इज 0। तो पहले हम ए और बी की वैल्यू इसमें रख के देख लेते हैं क्या ये 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो लेट अस चेक आउट, तो ए बाय 24 मतलब मैं निकाल रहा हूं ए बाय 24 माइनस बी बाय 6 की वैल्यू, जस्ट मेरे को ये देखना है 0 या नॉन जीरो क्या है, ए की वैल्यू 7 डाली तो इधर आया 7 बाय 24 माइनस बी बाय 6, तो बी 7 बाय 6 है ना, ये 2, तो 2 और 6 12 हो गए, ये तो देखो ये तो नॉन जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है ये, इसको एलसीएम लेके अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस 14 इज माइनस 7 बाय 24, ये क्वांटिटी कितनी है माइनस 7 बाय 24, तो ये नॉन जीरो आ गई, इसका मतलब ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे आगे वाले टर्म्स, ठीक है। अब तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी जीरो कर ही दिए, इसके बाद वाले जीरो करी हो ही गए, तो x की पावर कोफिशिएंट्स का रेशियो इज माय वैल्यू ऑफ लिमिट, तो आंसर फाइनली आंसर इज a बाय 4 माइनस b बाय 6 एंड व्हिच इज जो हमने निकाला अभी माइनस 7 बाय 24, दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिट।
ठीक है, समझ में आया? तो अगेन ये मॉडरेट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलो अब हम कुछ थोड़ा नया सीखते हैं। वैसे देखो लिमिट तो कंप्लीट हो गया है तुम्हारा, बट कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं और एक आध लेक्चर और ले लूंगा मैं कल, और थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे हम, ठीक है ना, जो मुझे लगते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनका उनके इलस्ट्रेशन में क्लास में ले लूंगा। तो चलो पहले एक बार एक थोड़ा नया चीज पढ़ते हैं हम आज, उसका नाम है सैंडविच थ्योरम। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन और भी चीजें लगेंगी, पहले मैं वो बता देता हूं। तो देखो मैंने लिखा, पहले ऐसे लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन लिमिट्स, ठीक है। पहला है, देखना ध्यान से, मैंने बोला कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना, इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, देन हम क्या कर सकते हैं, देन हम दोनों साइड लिमिट ले सकते हैं। तो मैंने लिखा देन लिमिट x टेंड्स टू, लेट्स से a पे निकाल रहा हूं, एफ एक्स ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। बट एक चीज है इसमें, एक फ्लॉ है कि, अच्छा तुम लोग सोचो, मैंने बोला क्या जो स्टेटमेंट अभी लिखा है, देखते तुम लोग सोच पाते हो कि नहीं। मैंने बोला अगर ये ट्रू है तो क्या ये हमेशा ट्रू है? जस्ट ऐसे केसेस सोचो, मतलब उल्टा सोचो कि ऐसा कोई केस ढूंढो कि जब ये मेरा गलत हो जाए साबित, क्योंकि इधर थोड़ी सी कुछ चीज मिसिंग है एक्चुअली, ठीक है। अब हम उसको समझते हैं, पहले समझते हैं फिर मैं इस एक्सप्रेशन में चेंज करूंगा। तो देखो मैंने, उसने बोला एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, मतलब जो एफ एक्स का ग्राफ है वो जी एक्स के हमेशा ऊपर आएगा। तो देखो मैं सिनेरियो वन ले रहा हूं, सिनेरियो वन, लेट्स से दिस इज माय एफ एक्स ब्लू वन एंड द ब्लैक वन इज माय जी एक्स, जी एक्स, ठीक है। अब खुद सोचो एक्स कोई भी वैल्यू ले लो, किसी भी पॉइंट पे लिमिट निकाल लो। तो लेट्स से ये एक्स इज इक्वल टू ए था, एक्स इज इक्वल टू ए पे, ठीक है। अब देखो एफ जी एक्स कहां जाएगा, जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू क्या, मतलब मैंने बोला अगर एफ एक्स जी एक्स से ऊपर है तो क्या ये होल्ड कर रहा है? हाँ ये होल्ड कर रहा है, क्योंकि तुम किसी भी पॉइंट पे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ तुम किसी भी पॉइंट पे लिमिट निकाल लो, हमेशा एफ एक्स का लिमिट ज्यादा आएगा जी एक्स से किसी भी, लेट्स से दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए जनरल पॉइंट हो गया, तो इधर जी एक्स की लिमिट क्या आएगी, ये वाला पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट, लेट्स से ये वाई वन है और लेट्स से ये वाई टू है, तो ये कितना आ रहा है वाई टू और ये कितना आ रहा है वाई वन, और हमें पता है वाई टू इज ग्रेटर देन वाई वन, क्लियर है? हमने ग्राफिकली पढ़ा है लिमिट्स कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू a पे देखते हैं कि dx किसको अप्रोच कर रहा है, तो इधर से जाएंगे तो भी y1 को, इस साइड से जाएंगे तो भी y1 को, तो ये वाली चीज y1 हो गई। इस वाले ऊपर वाले ग्राफ के हिसाब से अगर इस साइड से गए तो y2, उस साइड से आए तो y2, तो इसकी वैल्यू y2 हो गई। तो ये वाली जो मैंने अभी एक्सप्रेशन जो लिखा था इधर, इनइक्वालिटी जो लिखी थी वो इसके लिए ट्रू हो गई। बट मैंने तुम्हें क्या बोला कि जब हम ऐसे लिख रहे हैं कि दिस इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज दिस, That means it should be true for all the possible cases ना, कहीं भी अगर फेल हो गई तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो मैंने वही तुम्हें बोला कि ऐसा कोई ग्राफ ट्राई करो सो दैट दिस विल होल्ड, दिस विल नॉट होल्ड एक्चुअली। तो अब देखो मैं बता रहा हूं, देखना ध्यान से सुनना, तो मैंने इसको रब कर देता हूं, तुम लोग कॉपी कर लेना इस ग्राफ को। देखो लेट्स से दिस इज माई कॉर्डिनेट एक्सिस और लेट्स से ये मेरा ग्राफ हो गया, लेट्स से दिस इज ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ये जी एक्स का ग्राफ हो गया, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। मैंने बोला तुम्हें एक मिनट के लिए, चलो इसको और कंप्लीट करते हैं, एक मिनट होल्ड ऑन, इसको मैं ये दे देता हूं, लेट्स से दिस इज बी और मैंने एक और पॉइंट रख दिया, पहले ग्राफिकल देखते इसका मीनिंग, लेट्स से दिस इज अ, हाँ ये मेरा हो गया जीएक्स का ग्राफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज द लिमिट, लिमिट ऑफ जीएक्स एज एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, क्या बोला मैंने, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स कितना होगा, दिस विल बी बी, क्योंकि अगर ए को मैं अप्रोच करूंगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो भी वो किसको अप्रोच, किसको टेंड कर रहा है बी को, फ्रॉम राइट हैंड साइड भी टेंड अप्रोच करूंगा तो ये ब्रांच किसकी तरफ जा रही है बी की तरफ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स विल बी बी। अच्छा फिर मैंने तुम्हें बोला g ऑफ a क्या है, दिस नॉट द लिमिट, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू a, तो वो ये वैल्यू है, तो लेट्स से मैं इसको और नंबरिंग कर देता हूं, लेट्स से दिस इज c, लेट्स से दिस इज c, तो मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज c, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा शायद, ठीक है ना।
ये तो हो गया मेरा जी एक्स का ग्राफ। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मेरे को ऐसा केस सोचना है कि जब ये फॉल्स हो जाए और ये ट्रू हो। तो अभी मैंने जी एक्स का ग्राफ बना लिया, अब मेरे को एफ एक्स जी एक्स से ऊपर रखना है। तो देखो अब मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, मैंने बनाया ऐसा, और कीपिंग इन माइंड कि मुझे वो नीचे वाली कंडीशन वॉलेट करनी है। ये नहीं भी बनाओगे डॉट तो चलेगा। ये मेरा जी एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। और लेट से ये वाला पॉइंट इज लेट से डी, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने बोला क्या ये ट्रू है, पहले जो इंक्वायरी ये लिए इफ, हाँ तो बिल्कुल आंसर मिलेगा ट्रू है। एफ एक्स का ग्राफ हम, सॉरी ये दिस इज एफ एक्स, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मैंने बोला एफ एक्स का ग्राफ ऊपर है क्या हमेशा, हाँ ऊपर है, x इक्वल टू a पे भी ऊपर है, क्योंकि तो ब्लू वाला डॉट जो बनाया मैंने दैट इज ऑफ fx, और जो नीचे वाला डॉट बनाया दैट इज ऑफ, दैट इज पार्ट ऑफ gx, ठीक है। तो मैं इससे इससे क्या लिखूंगा, मैं gx की वैल्यू, fx की वैल्यू लिमिट, मैंने बोला लिमिट, पहले तो f ऑफ a लिख लिया, f ऑफ a क्या होगा, a पे फंक्शन का वैल्यू fx का वैल्यू व्हिच विल बी d, इसका तो कोई यूज नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बताया जस्ट, ठीक है ना। अब मेन चीज जो है वो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, अब बताओ fx क्या होगा, जस्ट लुक इनटू इट। ये वाली ब्रांच किसको अप्रोच कर रही है, बी को, ये वाली ब्रांच भी किसको अप्रोच कर रही है, बी को, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, तो दिस वैल्यू विल बी बी। तो देखो क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब किस चीज की कमी थी, इधर इक्वालिटी की कमी थी। तो नाउ दिस इज परफेक्ट, समझ में आया। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमेशा बड़ा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि लिमिट हमेशा बड़ी होगी, बड़ी या फिर बराबर। और इसने क्या बोला, बड़ा देखो, हाँ छोटी नहीं हो सकती, छोटा कभी भी किसी भी पॉइंट पे तुम लिमिट निकाल लो, fx की लिमिट कभी छोटी नहीं हो सकती gx से, बड़ी आएगी या फिर बराबर, या फिर मतलब ऑप्शन है दोनों में से, ठीक है। तो ये चीज इस ग्राफ से हमने समझाई, आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम, और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, और इसी के बेसिस पे है बेसिकली सैंडविच थ्योरम, इसी का एप्लीकेशन है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट डाल लो तुम, सैंडविच थ्योरम, और कुछ थ्योरम वियरम नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, ठीक है। चलो तो इसको मैं रब कर देता हूं, ध्यान से ये वाला पूरा प्रॉपर लिखना, ठीक है। अब देखो देखो मैंने बोला क्या सैंडविच थ्योरम में क्या है, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लिखो इफ एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स is less than h of x, ठीक है ना, उसने बोला है अगर ऐसा है, and एक और चीज गिवन है, and limit x tends to, कोई भी let's say a पे निकाल रहे हैं, fx is equal to limit x tends to a h of x, ये स्टेटमेंट है इसका, if condition है, मतलब ये दोनों conditions हैं, ये दोनों अगर satisfy होती है condition इस थ्योरम की, फिर क्या लगता है थ्योरम में, क्या लगता है अगर ऐसा है, फिर हम क्लेम करते हैं कुछ, देन ये बोल रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x विल बी इक्वल्स टू l, लेट्स से ये मैंने l मानी, ये बोल रहा है, कुछ ही सिंपल सा चीज है, क्या बोल रहा है वो देखो एक बार समझते हैं इसको। उसके बाद तीन फंक्शन है और एफ एक्स सबसे छोटा है, जी एक्स बीच में है और एच एक्स सबसे बड़ा है। उसने बोला है कि किसी पॉइंट ए पे जो एक्सट्रीम वाले फंक्शंस है ना, ये दोनों, इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो उस पॉइंट पे वो जी एक्स की लिमिटिंग के वैल्यू के बराबर होगा, ये बोल रहा है। देखो एफ एक्स का लिमिट इज इक्वल टू एच एक्स का लिमिट, लेट से इज इक्वल टू एल, फिर वो बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि जी एक्स का लिमिट भी एल आएगा। ऑफ कोर्स जैसे मैंने खुद सोचा, जैसे क्या है बेसिकली द सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस, जैसे अभी समझा था उसी हिसाब से, पहले मैं fx is always less than hx और दोनों का लिमिट सेम आ रहा है, तो वही सिनेरियो ऊपर वाला अभी जो हमने देखा था ऐसा है। लेट्स से दिस इज माय hx, देखना ये मैंने बनाया मेरा hx, और लेट्स से मैं ये fx बना रहा हूं, लेट्स से दिस इज fx और ये मेरा ऊपर वाला क्या था hx। इसको इससे डायग्राम से भी समझेंगे और जो प्रीवियसली हमने पढ़ा उससे भी समझेंगे, देखना दोनों तरह से समझेंगे। अब मैंने बोला कि ये लिमिट l दे रखा है, लेट्स से दिस इज a और वैल्यू ऑफ लिमिट इज व्हाट x टेंड्स टू a पे l, तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन मैंने इस ये ग्राफ इस इंफॉर्मेशन से बनाया, दिस इज माय a, क्लियर है। तो देखो क्या है, fx का ग्राफ हमेशा hx से नीचे है, बट दोनों का लिमिटिंग वैल्यू l है एट x इज इक्वल टू a,
अब मुझे gx बनाना है इस प्रकार कि वो दोनों के बीच में रहे। तो खुद सोचो, अब देखो अगर मैंने बोला कि gx दोनों के बीच में रहेगा तो वो कहीं तो ऐसे आ रहा होगा, कहीं तो ऐसे बीच में होगा, तो डेफिनेटली क्या होना होगा उसको, x इज इक्वल टू a पे इधर होना ही पड़ेगा, और कहीं जा ही नहीं सकता ऊपर और नीचे, बिकॉज इट हैज टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो उसकी मजबूरी है, उसको बीच से ही निकलना पड़ेगा। नाम भी इसलिए लगा सैंडविच, मतलब एक बीच में फंस गया जी एक्स, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में। क्लियर है? तो क्या होगा, जी एक्स का भी लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए पे एल ही आएगा, समझ में आएगा? तो ऐसा ग्राफ बन गया इसका, निकलते निकलते ऐसे ऐसे कहीं तो निकल रहा है, हमेशा बीच में है, लेकिन ये दिस इज माई जी एक्स। तो मजबूरन उसकी, वो ना चाहके भी उसकी लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए पे एल ही आएगी, क्योंकि उसको ये फुलफिल करना है। क्लियर है बच्चों? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला ये तो एक तरीका हुआ एक्सप्लेनेशन करने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका मेथड टू एक्सप्लेनिंग दिस। अभी हमने बोला था कुछ तो कि अगर इक्वालिटी है फिर मैं लिमिट ले सकता हूं किसी भी, तो मैंने क्या किया इस पे लिमिट ले ली x एक्सटेंड्स टू a पे। ठीक है, मैंने बोला टेकिंग लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a तीनों में, क्योंकि अभी देखा था हमने इक्वालिटी में हम लिमिट ले सकते हैं दोनों साइड, बट उधर एक चीज का ध्यान रखना है, लेस देन होता है तो हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, इक्वालिटी और होल्ड कर सकती है। तो अगर मैंने इसमें लिमिट लिया तो क्या होगा, मेरा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्या किया, सिंपली इस इनइक्वालिटी में लिमिट ले लिया। बस मुझे इतना पता है कि लिमिट लेते वक्त अगर लेस देन हो तो लेस देन इक्वल टू हो जाता है, या फिर ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी भी आ सकता है। ठीक है ना, वो हमने इससे पहले वाले पॉइंट में समझा था। अब मुझे पता है कि ये तो गिवन है एल है लेस देन इक्वल टू, और ये लिखा लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए जी ऑफ एक्स, और ये भी क्या है लेस देन इक्वल टू एल, ये भी एल दिया है। अब मैंने बोला अब इसको कैसे रीड करें, जो बीच वाली क्वांटिटी है वो एल से छोटी या उसके बराबर है या फिर उससे बड़ी या उसके बराबर है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हाट, एल के बराबर है, हेंस दिस इज इक्वल टू एल। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस टाइप की चीज है ये सैंडविच थ्योरम। इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी अब हम देखते हैं। ठीक है, तो पहले तुम लोग, मैं रब कर देता हूं, तुम लोग पहले पॉज करो, कॉपी कर लो और फिर मैं रब कर दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं क्वेश्चन की। पहले तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, एक बताता हूं मैं तो थोड़ा पता चलेगा कि किस टाइप से होता है क्वेश्चन। तो मैंने लिखा लेट, उसने ऐसा दिया है एफ एक्स एक फंक्शन है, उसने बोल दिया कि दिस इज ऑलवेज लेट से लेस देन इक्वल टू या लेस देन चलेगा एक्स की पावर सिक्स प्लस टू एक्स की पावर फाइव प्लस सेवन ग्रेटर देन, सेवन मत लिखो इसको, इसको लिख लो 6x, चलो और इधर लिख लिया मैंने x की पावर 4, नो नो 6 तो नहीं, लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x प्लस साइन x, ऐसा दे दिया। ठीक है, फिर मुझे बोला कि फाइन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। सोचो तुम एक बार क्या करें, और तुम्हें हिंट है कि मतलब जस्ट हमने अभी सैंडविच थ्योरम पढ़ा है उसका यूज करना है। ठीक है, ठीक है, तो चलो मैं बता रहा हूं इसको, देखना मैंने बोला कि उसने दे दिया कि लेट्स से दिस इज माय वन फंक्शन एंड दिस इज माय वन फंक्शन। अब देखो उसने ये दे रखा कि एपेक्स इन दोनों के बीच में आया है। ठीक है ना, उसने ऐसे होल्ड बता दिया कि दिस इज ट्रू और बोल दिया कि दिस इज ट्रू, अगर फॉर ऑल एक्स नहीं बोला तो भी चलेगा, उसने बोल दिया लेट्स से कोई पर्टिकुलर डोमेन दे दिया और उसी के अंदर जीरो आ रहा है, लेट्स से उसने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख लो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू माइनस वन टू वन, ऐसा दे दिया एक मिनट के लिए, तो माइनस वन से वन के बीच में जीरो आ रहा है तो मतलब इधर एप्लीकेबल होगा ये। ठीक है, उसने बोल दिया इस इंटरवेल में, देखो मैंने अभी समझाने के लिए तो मैं कोई भी फंक्शन ले लिया, वेरीफाई करने मत बैठ जाना कि ये वाला फंक्शन इससे बड़ा हमेशा आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, क्या बोला मैं, समझा समझ में आया ना बात, जरूरी नहीं है कि वो, मैंने जस्ट समझाने के लिए ये क्वेश्चन लिया है, हो सकता है ये फंक्शन छोटा आ जाए इससे, बट जो मैं चीज समझा रहा हूं उसको समझना। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) निकालना है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम क्या करें, अगर हमने देखा, अगर हमें क्या निकालना है कि
हमें इसकी लिमिट निकालना है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर हमने इसकी लिमिट निकाली x टेंड्स टू जीरो पे और इसकी निकाली, अगर ये दोनों बराबर आ गई तो अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम जो लिमिट आई वो इसकी भी लिमिट होगी। तो क्या करें, हमारा टारगेट x टेंड्स टू जीरो पे इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। ये तो मैंने अभी सिंपल सा फंक्शन दे दिया है, वो कॉम्प्लिकेटेड भी आ सकता है। तो देखो लिमिट, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे, ये भी जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, तो आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल जीरो। सिमिलरली हियर लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे कहां जाएगा, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, ये भी जीरो को, तो आंसर है जीरो। तो लकीली क्या हुआ, ये दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आ गई एंड इक्वल्स टू जीरो, हेंस आई कैन से इसकी जो लिमिट होगी x टेंड्स टू जीरो पे वो भी जीरो आएगी अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक और लिखो। मैंने बोला लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a, लेट्स से फिक्स f ऑफ x इज इक्वल टू 5, कॉमा लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a g ऑफ x इज इक्वल टू लेट्स से 1, और हमें दे रखा है कि एफ एक्स है दैट इज ग्रेटर देन एच एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, ठीक है ये दे रखा है। फिर बोल रखा है देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले ट्रू फॉल्स की तरह लिख लेते हैं, चलो ठीक है। मैंने बोला ये दे रखा है एफ एक्स का लिमिट एट एक्स टेंड्स टू ए इज 5, जी एक्स का लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज 1, और बोल रखा है कि जो एच एक्स है दैट इज लाइन बिटवीन जी एक्स एंड एफ एक्स। फिर एंड फिर हमें निकालना है, वी हैव टू कमेंट ऑन द लिमिट ऑन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स, सॉरी एच ऑफ एक्स, ठीक है एच ऑफ एक्स। तो जैसे मैं ट्रू फॉल्स की तरह बनाता हूं इसको, तो मैंने बोला कि देन this then this lies between 1,5, is it correct or not, तुम लोग सोचो। फिर मैंने एक और लिखा, चलो ऑप्शन बी lies between, अब शायद बता भी दो कौन सा करेक्ट होगा। मैंने बोला इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहां जाएगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू वो कमेंट कर रहा है कि 1 और 5 के बीच में होगी, ये बोल रहा है 1 से लेके 5 विद क्लोज इंटरवल 1 और 5, तो आंसर मिलेगा क्या, तुम सोचो। देखो पहले वाले को तो मैं गलत पहले साबित करता हूं, पहले वाले को गलत साबित करते हैं। तो देखो मैंने बोला कि x टेंड्स टू a पे एफ एक्स का लिमिट 5 है, तो लेट्स से दिस इज a और एफ एक्स मेरा ये है, और लेट्स से दिस इज y एक्सिस और ये है मेरा, ठीक है दिस इज माई सिनेरियो 1, सॉरी एफ एक्स का लिमिट एट x टेंड्स टू a इज 5, ठीक है जी एक्स का लिमिट x टेंड्स टू a पे 1 है, तो इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, तो लेट से ये ऐसा ग्राफ है, चलो इसको थोड़ा नीचे ही कर देते हैं, ठीक है समझना, ठीक है ना क्या मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज, दिस इज 1, ठीक है और क्लियर है, मैं इसको रब कर रहा हूं तुम लोग लिख लेना। देखो तो मेरा जो ऊपर वाला ग्राफ है दैट इज एफ एक्स और नीचे वाला ग्राफ है दैट इज जी एक्स, और उसने क्या बोला है, मैं बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं कि मतलब ओपन तो नहीं आएगा, गलत ही है। द रीजन इज अब हमें क्या कंडीशन रखना है कि एच एक्स दोनों के बीच में आना चाहिए, तो दोनों के बीच में आते हुए उसकी लिमिटिंग वैल्यू ए पे 1 और 5 तो हो सकती है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसे जा रहा है, देखो दोनों एफ एक्स और जी एक्स से नीचे है, लेट्स से ये मैं एफ एक्स बोल रहा हूं, सॉरी एच एक्स, दिस इज माय एच ऑफ एक्स, तो इसकी लिमिट एक्सटेंड टू ए पे एच एक्स की वैल्यू कितनी आई 5 ना, तो इसका मतलब 5 तो आ सकता है, इधर ऊपर लगा रखा है इसका मतलब गलत है। सिमिलरली ऐसे भी बना सकता था, मैं इस टाइप का बना सकता था, तो एक्सटेंड टू ए पे 1 आ जाती तो इधर भी क्लोज आना चाहिए, समझ में आया, तो ये तो रॉन्ग हो गया बिकॉज ऑफ ओपन, क्लियर है। अब मैंने बोला, अब बच्चे बोलते हैं नहीं फिर सकते सेकंड बी वाला करेक्ट होगा, तो आंसर मिलेगा नहीं बी वाला भी रॉन्ग है। अब तुम सोचो क्यों, वाई बी इज रॉन्ग,
अब मैं बताता हूं इसका सिनेरियो। तो देखो इसके लिए मैं इसको रब कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, देखना बी का जो गलत होना क्यों गलत है और सही कब होगा उसके लिए भी मैं स्टेटमेंट लिख लूंगा, ठीक है ना। अभी दिस इज विल, अभी तो एट प्रेजेंट दिस इज रॉन्ग, व्हाट इज इंफॉर्मेशन जो तुम्हें दी है एट प्रेजेंट उसके हिसाब से तो अभी रॉन्ग है बी भी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग मतलब ये फॉल्स है, क्योंकि उसने देखो ऐसा तो दे नहीं रखा कि एच एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ए पे। तो एक ऐसा सिनेरियो भी तो हो सकता है, देखो मैंने बनाया ये और ये, देखो इधर वाली ब्रांच तो किसी और वैल्यू को अप्रोच कर रही है आरएचएस, आरएचएस से एलएचएस से किसी और ब्रांच को अप्रोच कर रही है, मतलब दोनों की लिमिटिंग वैल्यू अलग है। लेट्स से कहने का मतलब ये फाइव हटाओ एक मिनट के लिए, ऐसा सिनेरियो हो रहा है, एक मिनट, मैंने बोला ऐसा सिनेरियो हो रहा है। तो देखो ऊपर इससे तो मेरा क्या आया, लेट्स से फोर, इससे मेरा थ्री आया और कंडीशन ये सेटिस्फाई जरूर हो रही है, एच एक्स जो है मेरा इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन जी एक्स एंड एफ एक्स, बट क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। तो जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम कैसे बोल सकते कि लिमिटिंग वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी या ये होगी? नहीं ना, हेंस दिस इज फॉल्स। अब मैं क्या लिखूं, दिस विल बी ट्रू, दिस विल बी ट्रू इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स एग्जिस्ट। हाँ, अगर एग्जिस्ट करती है तो पक्का फिर इसी इंटरवल में होगी, नहीं करती तो फिर नहीं करती, ठीक है ना। समझ में आया क्या बोला मैं? तो ये भी अगर इतना इंफॉर्मेशन में उसने कहीं नहीं दिया ना कि एच एक्स का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, हमें तो हर एक पॉसिबिलिटी देखनी है, कहीं एक भी जगह फेल हो गई तो हम ऐसा जनरलाइज तो नहीं कर सकते स्टेटमेंट। समझ में आया ना? तो दिस विल बी ट्रू इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू एच एक्स एग्जिस्ट। हाँ, अगर एग्जिस्ट करती है तो पक्का फिर इसी इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है। तो फिर कोई बोलेगा सर उस वाले में क्यों नहीं किया था, उस वालों में तो उसकी मजबूरी थी, उधर तो क्या था कि जो एफ एक्स और जी एक्स था ना वो इट इज समथिंग लाइक दिस, उन दोनों की लिमिट ही सेम आ रही थी एफ एक्स और लेट से जी एक्स की, तो मजबूरन एच एक्स को इधर से गुजरना पड़ा। बट इसमें तो नहीं, इसके पास तो इतना सारा जगह बची, कहीं से भी निकल सकता, ठीक है ना। तो उधर हमें एग्जिस्ट करना ही पड़ा एच एक्स को, बट इधर ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। इधर एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। अब आते हैं सबसे बड़ा बढ़िया कैटेगरी के क्वेश्चन जो बहुत टफ माने जाते हैं, तुम्हें समझ में भी आएगा, रीजन भी समझ में आएगा क्यों। क्या होगा इस सब के क्वेश्चन में कि जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया, ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेंगे, पहले मैं इंट्रो दे रहा हूं हल्का सा। मैंने बोला कोई क्वेश्चन दिया तुम्हें, तुमने सारे मेथड लगा लिए जो भी हमने लिमिट्स के पढ़े और तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आया, मतलब मोस्ट ऑफ द तुमने सारे थ्योरम्स वगैरह सब कुछ ट्राई कर लिया जितने ही मेथड्स के हमने, फिर हम इस वाले सैंडविच थ्योरम का सोचेंगे। कैसे सोचेंगे कि हमने जो उसने दे रखा है, जिस फंक्शन की लिमिट दे रखी है उसके तो किसी एंगल से हम लिमिट नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, हमने सारे मेथड ट्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम दो फंक्शन एज्यूम करेंगे मतलब सोचेंगे, सोचना बहुत टफ होगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, दो फंक्शन सोचना है हमें जिनके बीच में वो हमारा गिवन क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन वाला फंक्शन वो लाई कर रहा हो, केवल इतना सफिशियंट नहीं है। एक और बात क्या सफिशियंट है, एक और बात क्या रिक्वायरमेंट है कि जो हमने दो फंक्शन एज्यूम किए उन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने, जैसे लेट से उसने एफ एक्स ऐसे लिख दिया, लेट से एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स वगैरह कुछ तो दे दिया, ऐसा हमने सारे मेथड से ट्राई कर लिया नहीं आ रहा आंसर, फिर क्या करेंगे हम, लेट से एफ एक्स है, फिर हमें दो फंक्शन एज्यूम करने हैं, लेट से मैं जी एक्स और एच एक्स एज्यूम कर रहा हूं, सच दैट जी एक्स इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन एच एक्स, these two function I have to assume, ठीक है। बट assume करना sufficient नहीं, assume तो हम कर सकते हैं, इससे बड़ा कोई function ले लेते हैं जो हमेशा इसके ऊपर है, that is not a big task, और इससे छोटा एक function ले लेते हैं जो इसके हमेशा नीचे है graph, वो भी उतना बड़ा task नहीं। task कहाँ आएगा main, कि ये दो, हाँ वो function assume कर लिया, फिर आएगा कि उन function की तो limit कम से कम निकालना आना चाहिए हमें, लिमिट भी निकाल ली दोनों की, फिर रिक्वायरमेंट क्या है कि ये दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम कि एफएक्स की लिमिट भी वही होगी। समझ में आया? देखो अभी और पिक्चर क्लियरिटी हो जाएगी, एक बार मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने लिया, चलो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं इसी के बेसिस पे, पहले तुम लोग ट्राई करना, ठीक है ना। मैंने लिखा लिमिट
x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, n अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री एंड सो ऑन, इट विल गो एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस फाइव एन. ठीक है, दिस इज माई फंक्शन जिसकी लिमिट निकालने मुझे एन स्टेप एन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी. ठीक है, तो अब देखो जैसे कि मैंने बोला, पहले तुम खुद सोच लो, ठीक है ना, मैंने तो सोच लिया नहीं बन रहा मुझसे प्रीवियस मेथड से, तुम लोग सोच लो कि कोई मेथड लगा के देखो, सीरीज समेशन ट्राई कर लो, इसका सम कैसे निकाले हैं. ठीक है ना, उस हो सके तो बताना मुझे भी. मैंने बोला अभी जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ उससे अगर डिफरेंट तुम्हें आती है तो मोस्ट वेलकम, यू कैन टेल मी. ठीक है ना, पहले तुम सीरीज समेशन ट्राई करो, हो सकता आ जाए. ठीक है ना, बट आई ट्राई नहीं आया, मान लो हमने ट्राई कर लिया नहीं आया. अब मैंने क्या बोला कि लेट्स सी दिस इज माय एफ ऑफ एन, दिस इज माय ये फंक्शन, मैंने बोला एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री एंड सो ऑन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस फाइव एन. फिर मैंने क्या बोला कि अब मुझे दो फंक्शन एज्यूम करने, जो एक जो इससे बड़ा हो हमेशा और एक जो इससे छोटा हो, बट लिमिट जिस पॉइंट पे लिमिट निकाली इंफिनिटी पे, वो जो फंक्शन जो एज्यूम किया ना हमने छोटा बड़ा, उनकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब तो हम बोल पाएंगे कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी वही है. तो अब आता है मेन टास्क हमारा. ठीक है, अब तो वीडियो पॉज करो और सोचो एक ऐसा फंक्शन जो इससे हमेशा बड़ा हो और एक ऐसा फंक्शन जो इससे हमेशा छोटा हो, इतना ही सफिशिएंट नहीं है, उन दोनों फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी n टेंड टू इंफिनिटी पे सेम आनी चाहिए. ठीक है, चलो तो अब देखते हैं. देखो सेम आना चाहिए इसका मतलब समझ लो ना, क्यों नहीं, अगर नहीं आई तो क्या होगा दिक्कत, चलो पहले वो देख ले, दिक्कत नहीं आई सेम तो क्या होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को एक मिनट के लिए भूल गया, मैंने बोला लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a f ऑफ x दिया है. ठीक है, मुझे ये निकालना है. ठीक है, और मैंने जैसे अभी हमने किया था ना इससे पहले ही, कि मान लो मैंने एक फंक्शन एज्यूम, अब मेरे को fx के निकालना, तो मैंने एक फंक्शन निकाल लिया fx, एक लेट्स से hx जो हमेशा fx से बड़ा है, और मैंने एक फंक्शन निकाल लिया gx जो हमेशा hx से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लिया. ये तो बहुत इजी टास्क होता है, हमने फंक्शन निकाल लिया जो इससे हमेशा छोटा है और इससे हमेशा बड़ा है. अब ये मेन बात है कि उन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम आना चाहिए, अगर नहीं आया तो क्या दिक्कत है. लेट्स से मैंने इसका लिमिटिंग वैल्यू लेट्स से 2 आ गया और इसका लिमिटिंग वैल्यू 5 आ गया, किस पे, x टेंड्स टू a पे, तब फिर हमें आंसर एक सिंगल आंसर मिलेगा ही नहीं ना fx का. हाँ, इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि देखो ऐसे दे देगा वो कि gx का लिमिट 2 है, hx का लिमिट 5 है x टेंड्स टू a पे, तो fx का लिमिट क्या होगा x टेंड्स टू a पे. तो तुम्हें ऑप्शन में देखना पड़ेगा इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर दे रखा है, तो दैट इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वो ऐसे पूछ सकता है, बट हम इस सिनेरियो में fx का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते. समझ में आया fx का, तो इसलिए मैंने बोला जो दो फंक्शन एज्यूम किए उनकी लिमिटिंग वैल्यू भी सेम होना चाहिए. आई बहुत एम्फसाइज कर दिया, अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखो मैंने बोला, अब ध्यान से देखो, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 5n है, क्योंकि 1, 2, 3 अप टू 5n. ठीक है ना, चलो तो नंबर ऑफ टर्म्स तो 5n हो गए. अब मैंने बोला कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है इस सीरीज का सबसे बड़ा टर्म है, देख लो, क्योंकि हर बार क्या हो रहा है डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है ना, दिस इज द लार्जेस्ट टर्म ऑफ द सीरीज. तो मैंने बोला, मैंने एक फंक्शन एज्यूम किया लेट्स से g ऑफ n. अब मैंने क्या किया, यही वाले टर्म्स हर जगह लिख दिए, इस सीरीज का सबसे बड़ा टर्म हर एक जगह लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. तो कहना इसे कि जो जी एन है वो हमेशा बड़ा होगा एफ एन से, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने एफ एन वाली जो सीरीज थी उसका सबसे बड़ा टर्म, इसके सारे टर्म्स को उसके सबसे बड़े टर्म से रिप्लेस कर दिया, तो डेफिनेटली जी एन तो हमेशा बड़ा होगा एफ एन से. क्लियर है, चलो अब मैंने एक और फंक्शन एज्यूम किया, एफ हो गया, जी हो गया, एच लेट से. अब मैंने एच एज्यूम किया, देखा ध्यान से, मैंने लिखा एच ऑफ एन इक्वल्स टू, अब क्या किया, इस सीरीज का सबसे छोटा वाला टर्म लिखा, दैट इज दिस वन, दिस इज द स्मॉलेस्ट टर्म, दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट, अब उसको सभी टर्म से रिप्लेस कर दिया, एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 5n.
एंड सो ऑन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस फाइव एन। आई होप जहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इससे मैं क्या कमेंट कर सकता हूं कि जो मेरा इधर ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जो एच एन है दैट इज ऑलवेज लेस देन माय गिवन फंक्शन एफ एन। क्लियर है ये दोनों, मैंने समझ में आया। तो इससे मेरा दोनों से कंक्लूड क्या निकला, अभी अपना लिमिट पहले पे आते हैं। मैंने बोला इससे ये कंक्लूड निकला जो एफ एन है दैट इज लेस देन ऑलवेज लेस देन जी एन एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मेरा एच एन। देखो यहां तक क्लियर है, इज इट करेक्ट जो मैंने लिखा अभी, करेक्ट है ना अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम क्या कर रहे हैं, एफ एन की तो लिमिट नहीं निकाल पाए थे हम डायरेक्टली किसी भी मेथड से, हाँ एच एन और जी एन की लिमिट निकाल लेते हैं, एक्सटेंड टू एन टेंड टू इन्फिनिटी पे। अगर वो सेम आ गई तो हम बोलेंगे कि एफ एन की भी आंसर वही होगा अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। तो देखो अब उससे पहले क्या किया, जी एन को सिंप्लीफाई किया, तो ये बहुत ही आसान हो गया, हर एक टर्म सेम है और नंबर ऑफ टर्म्स फाइव एन है, तो टोटल आंसर क्या हो गया फाइव एन इंटू एक टर्म मतलब एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है, अब यहां देखते हैं ये मेरा क्या हो गया फंक्शन जी एन और एच एन क्या हो जाएगा, हर एक टर्म सेम है फाइव एन टर्म्स है, तो फाइव एन इंटू एक टर्म एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस फाइव एन। देखो क्लियर है, अब इनकी लिमिट निकालना तो बहुत आसान है, इनकी लिमिट निकालना लिख लेना, ये मैं रब कर दिया तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अब मैंने बोला लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी पे, लिमिट एन इज टेंडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एन, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट व्हिच इज नथिंग बट फाइव। और लकीली देखो लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी जो एच ऑफ एन है वो भी क्या आ रहा है, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट हियर इट इज फाइव, ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो बराबर आ गई। तो अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम क्या बोलेंगे, एफ एन भी क्या होगा लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एफ ऑफ एन भी क्या होगा इन दोनों की लिमिटिंग की वैल्यू के बराबर एंड दैट इज फाइव। तो समझ में आया, इतना सब कुछ करना पड़ेगा इस एच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस, तो थोड़े हार्ड लेवल के माने जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फंक्शन एज्यूम करना है और ऐसे फंक्शन एज्यूम करना है जिनकी हम आसानी से लिमिट निकाल पाए प्लस और लिमिट भी बराबर आना चाहिए, दो मेन क्राइटेरिया। देखो फंक्शन बड़े और छोटे तो एज्यूम करना बहुत आसान होता है, जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स है, चलो एक्स तो मतलब हाँ चलो एक्स है, मैंने बोला लिमिट एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इससे बड़ा कोई फंक्शन बताओ, तो डेफिनेटली लो मैंने एज्यूम कर लिया जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, इससे छोटा फंक्शन बताओ तो लेट से ये बता दिया एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन या एक्स माइनस टू लिख लो। तो फंक्शन एज्यूम करना बड़ी बात नहीं है, छोटा हो बड़ा, बड़ी बात यह है कि एक तो इनकी लिमिट निकाल पाओ, वो भी बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों की लिमिटिंग वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी हम सैंडविच थ्योरम से इस पे कमेंट करेंगे कि इसका भी लिमिट इन दोनों के बराबर आएगा, ठीक है ना, समझ में आया आई होप। चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है, फिर कुछ पॉइंट्स और रह जाएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे कल की क्लास में, वैसे थोड़ा सा ही पार्ट बचा है लिमिट का, कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेंगे कल, अभी के लिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो तुम लोग अगेन खुद से ट्राई कर सकते हो, लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ थ्री स्क्वायर इंटू एक्स एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एन क्यू। इसको ट्राई करो, ठीक है, जस्ट ट्राई इट वंस, वीडियो पॉज करके मैं इसको बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से हम इसको कैसे करें, करेंगे तो हम सैंडविच थ्योरम से ही, बट कैसे फंक्शन एज्यूम करें वो मैटर है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक इनइक्वालिटी पढ़ा था हमने, किधर हमने पढ़ा था, ये प्रॉपर्टीज ऑफ दिस जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, इसी चीज का सहारा लेंगे हम। चलो एक काम करो, अब मैंने हिंट दे दिया, अब ट्राई करो तुम, ठीक है। अब देखो अब मैं बता रहा हूं इसको, ठीक है ना, तुम लोग खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। तो मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट किसी भी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू दैट चीज ग्रेटर देन एक्स माइनस वन, मतलब वो चीज माइनस वन। तो मैंने बोला इसके लिए मैं इस वाले जगह हर एक जगह एक्स स्क्वायर वन स्क्वायर इंटू एक्स रख देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन स्क्वायर इंटू एक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन स्क्वायर इंटू एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन
वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, देखो करेक्ट है या नहीं। ऑफ कोर्स मैंने क्या किया इसमें x की जगह वन स्क्वायर इंटू एक्स रख दिया, फिर मैंने फर्दर मैंने टू स्क्वायर इंटू एक्स रख दिया, टू स्क्वायर इंटू एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू स्क्वायर इंटू एक्स ग्रेटर देन टू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन एंड सो ऑन, सारे टर्म रखते गया। लास्टली मैंने इसमें रखा एन स्क्वायर इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, एन स्क्वायर इंटू एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। फिर मैंने सबका एडिशन ले लिया तो मेरी रिक्वायर्ड फंक्शन का न्यूमरेटर आ जाएगा, तो कुछ तो अच्छा काम हुआ। तो मैंने कहा चलो लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन स्क्वायर इंटू एक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू इन सब का एडिशन। तो दिख रहा है एक्स अगर कॉमन लू तो इधर क्या आएगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल एन स्क्वायर, और इधर क्या आएगा देखो इधर लेस देन इक्वल टू नहीं है, इधर क्या आएगा वही यही चीज लिखी है माइनस वन 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 एन टाइम्स, तो मैं क्या लिखूंगा एक्स इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन स्क्वायर माइनस एन। क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है इसको रब कर रहा हूं तुम लोग लिख लेना इसको। अब नीचे क्या था डिनोमिनेटर पे एन क्यूब और था, तो मैंने क्या किया एन क्यूब से दोनों दोनों तरफ डिवाइड किया, ये मेरा एन क्यूब से डिवाइड किया, ये मेरा एन क्यूब से डिवाइड किया, क्योंकि ये फंक्शन मुझे बनाना है जो एक्चुअल क्वेश्चन था, डिवाइड बाय एन क्यूब किया। अब क्या किया लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी ले लिया दोनों साइड, इस इक्वेशन में लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी ले लिया, तो ये हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन लिमिट एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एक्स इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन स्क्वायर माइनस एन होल डिवाइडेड बाय एन क्यूब इज लेस देन, और जब मैं लिमिट लेता हूं तो लेस देन वाला सिंपल किसमें कन्वर्ट हो जाता है लेस देन इक्वल्स टू में, तो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन स्क्वायर एक्स प्लस एंड सो ऑन एन स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय एन क्यूब एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, और यह आ जाएगा एक्स इंटू वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर होल डिवाइड बाय एन क्यूब। क्लियर है यहां तक? अब ये सम निकालना आसान है, ये सम निकालना आसान है, वो सम निकालना आसान है, उनकी लिमिट निकालना भी आसान हो जाएगा। तो देखो इधर देखो क्या है एक्स इंटू, अब मुझे पता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स माइनस एन डिवाइडेड बाय एन क्यूब, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एन टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो क्या होगी ये तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन की तो हमने बहुत प्रैक्टिस की थी। विदाउट सिंप्लीफाइंग हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या डिनोमिनेटर का डिग्री एन क्यूब है तो ऊपर एन क्यूब का कोफिशिएंट देख लो, तो एन क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा इधर से ये एन इससे एन से मल्टीप्लाई होगा फिर वो इस टू एन से होगा, तो टू एन क्यूब बाय सिक्स और एक एक्स है, मैंने क्या लिखा है दिस टू एन क्यूब बाय सिक्स और एक एक्स भी है और नीचे एन क्यूब, तो फाइनली दिस इज एक्स बाय थ्री, लिमिटिंग वैल्यू आ गई इस फंक्शन की। अब इस वाले पे आते हैं, अगर इसकी भी वही आ गई तो क्या बोलेंगे इसकी भी वही आई एक्स बाय थ्री अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, तो देखो इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा एक्स इंटू अगेन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दिस विल बी एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइड बाय सिक्स लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आया हमारा अगेन दिस विल बी एक्स बाय थ्री, एन क्यूब का कोएफिशिएंट देखो ऊपर टू एक्स आ रहा है तो टू एक्स अपॉन सिक्स इज नथिंग बट एक्स बाय थ्री। अब क्या हुआ इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम आ गई, दोनों की वैल्यू सेम आ गई एक्स बाय थ्री के बराबर, हैंस इसकी वैल्यू भी क्या होगी एक्स बाय थ्री अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम। क्लियर हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको एक और ऑल्टरनेटिव अप्रोच से करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम एंड अप करेंगे। तो पहले इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। ऑल्टरनेटिव अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा शीट में भी दिया है, ठीक है ना, दिस क्वेश्चन यू विल सी इन शीट और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में भी दिया होगा, ठीक है ना, सीनियर ओरियंट सब में दिया होगा बिकॉज बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। देखो अब क्या किया, पहले वो एक्सप्रेशन लिख लिया वन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू स्क्वायर इंटू एक्स एंड सो ऑन एन स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एन क्यूब लिमिट एन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो अब क्या किया, अब मैंने वो हेल्प ली उसकी किसकी कि एक्स जो होता है हमारा दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल टेक हेल्प ऑफ दिस। चलो एक काम करो हिंट दे देता हूं, मैंने इतना हिंट दे दिया, इस हिंट से सोचो इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना, दिस इज योर टास्क, एक तो होमवर्क क्वेश्चन बनता है। मैंने बोला
कि इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाले, एक तो हमने वो प्रीवियस वाला किया अप्रोच, एक मैं बोल रहा हूं इसकी हेल्प लो एक बार, जस्ट ट्राई विद दिस, टेक हेल्प ऑफ दिस, मतलब किसी भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, टेक हेल्प ऑफ दिस एंड लेट मी नो कि किस किस का आंसर आता है, ठीक है फिर। तो आई होप समझ में आया होगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट से मतलब है कंसेप्चुअल था, बहुत बहुत लॉजिकल था आज जो हमने पढ़ा ना, थोड़ा फील वाला चैप्टर, फील वाला टॉपिक था ये आज का, ठीक है। तो फॉर दैट्स इट, ठीक है ना, अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में जो भी लिया, वैसे क्वेश्चन तो हमने कम ही लिए, कंसेप्ट ज्यादा सीखे हैं, ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो पूछो मुझसे, ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।